स्टूडेंट स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 10 प्रैक्टिकल जियोमेट्री इंट्रोडक्शन यू आर फेमिलियर विथ अ नंबर ऑफ शेप्स यू लर्न हाउ टू ड्रॉ सम ऑफ देम इन द अर्लियर क्लासेस फॉर एग्जाम्पल यू कैन ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन सेगमेंट एन एंगल बायसेक्टर और सर्कल इटीसी ये आप सीख गए स्टैंडर्ड 6 में ओके नाउ यू विल लर्न हाउ टू ड्रॉ पैरेलल लाइन एंड सम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल नाउ वी लर्न हाउ टू ड्रॉ पैरेलल लाइन एंड सम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट नोट ऑन द लाइन देखो यहाँ पे लेट अस बिगेन विथ एन एक्टिविटी के साथ है टेक अ शीट पेपर एक लिया है मेक अ फोल्ड जो फर्स्ट वाला है वो देखना पिक्चर में दिस फोल्ड रिप्रेजेंट अ लाइन एल एल लाइन रिप्रेजेंट है फोल्ड जहाँ पे क्या वो देखो सेकंड में दिखाई दे रहा है एल लिखा हुआ है अनफोल्ड द पेपर अनफोल्ड कर दिया मेक अ पॉइंट ए ऑन द पेपर आउटसाइड एल एल की आउटसाइड में ए पॉइंट लिया है यहाँ पे है फोल्ड द पेपर परपेंडिकुलर टू द लाइन सच दैट दैट दिस परपेंडिकुलर पासिस थ्रू ए नेम द परपेंडिकुलर ए एन देखो यहाँ पे सेकंड और थर्ड में थर्ड और फोर्थ में ए एन दिखाई दे रहा है हाँ पर नेम द परपेंडिकुलर ए एन मेक अ फोल्ड परपेंडिकुलर टू दिस परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट ए नेम द न्यू परपेंडिकुलर लाइन एज एम जहाँ पे न्यू लाइन है वो है एम नाम उसे देना है नाउ एल अब एल परपेंडिकुलर एम हो गया डू यू सी वाई ये कैसे हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन कैन हेल्प यू हियर टू से दैट लाइन एल एंड एम आर पैरेलल एन एंड एल लाइन है वो पैरेलल है ये हमने अपने एक्टिविटी देखी अब एक्सरसाइज देखते हैं यू कैन यूज यू कैन यूज एनी वन ऑफ द प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग द ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस टू मेक दिस कंस्ट्रक्शन यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली देखो स्टेप वन है टेक अ लाइन एल यहाँ पे देखो एल लाइन ली है एंड पॉइंट ए आउटसाइड एल के आउटसाइड में एल पॉइंट ए पॉइंट लिया है टेक एनी पॉइंट बी ऑन एल एल पे बी पॉइंट लेना है एनी कोई भी जगह पे एंड जॉइन बी ए और बी ए को जॉइन किया है विथ बी एज अ सेंटर बी को सेंटर ले एज अ एंड कन्वीनियंट रेडिश अंदाज से कन्वीनियंट रेडिश ड्रॉ एन आर्स कटिंग एल एक आर्स ड्रॉ करना है वो एल से कट हो एंड वहाँ पे सी नाम देना है क्या नेम देना है सी एक आर्स ओके एंड बी ए की जो लाइन है वहाँ पे वो जहाँ भी कट होता है वहाँ पे डी लिखना है क्या नाम देना है डी नाउ विथ ए एज अ सेंटर एंड द सेम रेडियस जहाँ पे हमने बी से जो सी डी का जो आर्स किया है वही मैप लेना है उसमें कोई चेंज नहीं करना है सेम रेडियस इन द स्टेप थ्री ड्रॉ एन आर्स ई एफ जहाँ पे ई पॉइंट था ए पॉइंट है वहाँ से ऐसे ही वही जो मैप है वो माप है उससे सेकंड ये आर्स ड्रॉ करना है और ड्रॉ एन आर्स ई एफ कटिंग ए बी ए बी को जहाँ पे कटूँ वहाँ पे देखो ए एंड एफ पॉइंट दोनों लिए और ए बी पे जहाँ पे वो कट होता है वहाँ पे जो पॉइंट आता है वो उसे नाम दिया है जी प्लेस द पॉइंटेड टिप ऑफ द कंपास एट सी एंड एडजस्ट द ओपनिंग सो दैट द पेंसिल टिप इज एट डी प्लेस द पॉइंटेड टिप ऑफ द कंपास इज एट सी एंड एडजस्ट द ओपनिंग उसे ओपनिंग करो एंड शो द पॉइंट पेंसिल टिप इज डी देखो यहाँ पे जैसे लड़की कर रही है विद द सेम ओपनिंग वैसे ही
जे इतना सी और डी का जितना है उतना माप लेके ओपनिंग एज इन द स्टेप 5 एंड विथ जी, जहाँ पे जी है यहाँ पे, वहाँ पे अपना रख के कंपास रख के ड्रॉ एन आर्स कटिंग द आर्स ई एफ एट एच, ई एफ का जो है वहाँ पे एक आर्स ड्रॉ करना है जो वहाँ पे कट हो उसे एच नाम में नेम देना है। नाउ जॉइन ए एच, अब क्या करना है ए और एच की जो लाइन है वो ड्रॉ करनी है। देखो यहाँ पे स्टेप 7 में दिया है और लड़की भी कर रही वैसे। नाउ जॉइन ए एच टू ड्रॉ लाइन एम, उसे एम नेम देना है। नोट दैट एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी एंड एंगल बी एच, एंगल बी एच सॉरी बी ए एच आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर एम पैरेलल एल। ओके, तो ये सभी स्टेप आपको दिए हैं डिफरेंट कैसे करना है। देखो स्टेप 1 दिया है, 2 दिया है, 3, 4, 5 एकदम अच्छे से दिया है कि कैसे कर रही है लड़की और एक स्टेप में क्या करना है वो आपको दिया है। ओके, तो आप एक बार और करना कि ये कैसे किया है आपकी नोटबुक में, एक बार और ड्रॉ करना। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 देखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।